हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के साथ। तो जी चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और हमने जो बुक सेल्फ बनवाई थी, तो चलिए उसे चढ़वाते हैं ऊपर। और किस तरीके से चढ़ाई जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी मेहनत से यहाँ पर, मतलब बेड जो हमने बेड बनवाए थे, बेड भी इसी तरीके से चढ़ाने पड़े। और ये बुक सेल्फ भी हमें बाहर से रस्सियों के जरिए ऊपर खींचनी पड़ी। और इसे खींचने के बाद फिर हमने ये यहाँ पे सेट करवा दी। और बेड मैंने आपको दिखा ही दिए थे कि बेड हमने बेडों की जगह पर लगा दिए। अभी थोड़ा बहुत काम हमारा भी बचा हुआ है और जैसे जैसे पूरा होता रहेगा उस तरीके से मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि बुक शेल्फ हम कैसे इसको चढ़ा रहे हैं। तो जी देखिए, अब चढ़ाई जा रही है हमारी बुक शेल्फ ऊपर। और पहले ये बांध रहे हैं इसको रस्सी से और फिर इसको ऊपर खींचेंगे। देखिए इसमें पीछे कील लगा रहे हैं जिससे कि ये रस्सी इधर उधर ना हो और ये आसानी से ऊपर चढ़ सके। तो जी इधर से ये जवान रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए धीरे धीरे ऊपर खींची जा रही है। तरह से सेट हुई है हमारी बुक शेल्फ। और अभी बुक्स अच्छे तरीके से, मतलब पूरी नहीं इसमें लगाई हैं, बच्चे देख देख कर अपनी बुक्स अपने हिसाब से लगा रहे हैं। तो जी ये बुक शेल्फ तैयार हो गई और कुछ इस तरीके से हो गया है ये कमरा।
इधर है कूलर और इधर है हमारा मंदिर और ये देखिए और अब इनमें अच्छे से हैंडल वैंडल लगकर ये कबर्ड बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। और ये देखिए मजा आ गया उठा के। उधर ये गई थी अभी कितना बड़ा फूल लगा हुआ है ये देखिए वैसा ये देखिए अब शाम का टाइम हो चुका है और शाम के बजे हैं 5:30 और अब हो गया है खाना बनाने का टाइम। तो जी हम खाना बनाने में लगते हैं और खाने में बना रही हूँ मैं आज दाल अरहर की दाल चावल और रोटियाँ। तो जी इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो जी मिलते हैं आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।